नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुश। वर्षों से आयुर्वेद में प्रयत्नशील आपके लिए आयुर्वेदिक आचार्य में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कई ऐसे कॉमन पेन के बारे में जो अक्सर 10 में से 7 महिलाओं और पुरुषों को होता है, जैसे बैक पेन, दबी हुई नस, हिप्स पेन, स्लिप डिस्क या साइटिका। इस प्रॉब्लम में बॉडी के एक पार्ट की नस दब जाती है या ब्लॉक हो जाती है और उसमें बहुत दर्द होने लगता है। चेयर पर बैठे हैं तो बैठे रह जाते हैं, या फिर खड़े होने में दिक्कत होती है और चलने में भी दिक्कत होती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको है तो ये वीडियो देखने के बाद आप कहने वाले हैं कि मुझे अब स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं है, साइटिका की प्रॉब्लम नहीं है। कारण ये है कि बहुत से लोगों ने यही इलाज को फॉलो करके अपना ट्रीटमेंट किया है, अब वो साइटिका की प्रॉब्लम को भूल चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइटिका की प्रॉब्लम इस हिस्से में सबसे ज़्यादा होती है। इस हिस्से में कमर का दर्द ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी बनी होती है वहाँ पर एक छल्ली जैसी डिस्क होती है। वो डिस्क या तो फैल जाती है या साइड में चली जाती है, जो कि साइटिका की एक नर को दबाने लगती है। ये साइटिका पेन वो पूरे पैर में, लेग में, पीछे के हिस्से होने में लगता है। ये जब पीछे के हिस्से में होता है तो लोगों को चलने में दिक्कत आती है, कुछ को बैठने में दिक्कत आती है, और जब कुर्सी से उठते हैं तो उन्हें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। इतना पेन होता है कि जो लोग डॉक्टर से इलाज करा चुके हैं वो अब भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है। आज मैं आपको 4 ऐसे इलाज बता रहा हूँ जिसके द्वारा बहुत से लोगों ने फ़ायदा लिया है, और मेरी इच्छा है कि आप भी इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप दही, गोभी, उड़द की दाल और भिंडी, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसी कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए जिससे आपकी बॉडी में वात यानी वायु को जो पैदा करती है, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉब्लम वायु यानी वात की बॉडी में अधिकता को बढ़ाती है, जिससे स्लिप डिस्क या बैक पेन होता है। स्लिप डिस्क पहले कमर दर्द से स्टार्ट होता है, कमर दर्द से ही आगे चलकर साइटिका की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। आइए जानते हैं इस इलाज के बारे में। सबसे पहले आपको 2 कली लहसुन की लेनी है और 1 गिलास गाय का दूध। ध्यान रहे, दूध सिर्फ गाय का ही होना चाहिए। लहसुन को छोटा छोटा कट कर लें और उसको धीरे धीरे दूध के साथ उबालना है। उसके बाद रात को सोते टाइम इसी दूध को पी लीजिए। ये दूध साइटिका के पेन को दूर करता है और साथ ही बॉडी में वात की अधिकता को भी कम करता है। इसके अलावा 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो देना है और सुबह उठकर इसका इस्तेमाल करना है। सुबह ध्यान रहे, सुबह सिर्फ आपको खाली पेट ही खाना है। ये बॉडी से वात को कम करती है, कमर दर्द जैसी प्रॉब्लम को दूर करती है। अब आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा तरीका। इसमें आपको भुजंगा आसन करना है। भुजंगा आसन कैसे करना है इसकी बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन यही भुजंगा आसन साइटिका, बैक पेन, दबी हुई नस, हिप्स पेन को कम करता है। 4 आसन हैं जो आपको करने हैं: भुजंगा आसन, मकरासन, मकरासन और पारपश्चिमो आसन। ये 4 आसन आपको रोज़ सुबह और शाम खाली पेट करने हैं। ये आसन आपको 15 दिन लगातार करने हैं। अब आपने बहुत दर्द सह लिया, इस वीडियो में बताए गए इलाज
आपने अपना लिए तो 100% आपको सारे पेन दूर हो जाएंगे और आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब जानते हैं तीसरे इलाज को। इसमें आपको 250 ग्राम सरसों का तेल लेना है और 50 से 70 ग्राम तक छिला हुआ लहसुन लेना है और धीमी आंच पर तेल को रख देना है और उसमें लहसुन डाल दें और धीमे धीमे उसको गर्म होने दें। ये तेल आपका घर पर ही तैयार हो गया। ये नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और नसों में ताकत देता है। इसके अलावा नसों को स्ट्रेंथ देने के लिए शिलाजीत जरूर खाना है। इस तेल की मसाज आपको पेन वाले एरिया में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ करनी है। ध्यान रहे हल्के हाथ से ही मसाज करें। आइए अब जानते हैं चौथे इलाज के बारे में और वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको रिंग फिंगर में एरो और ब्लैक पेन दिखाई दे रहा होगा। ब्लैक कलर के कर्व दिख रहे होंगे। इन कर्व को आपको प्रेस करना है दोनों हाथों में। आप देखते हैं दूसरे चित्र को। इसमें आपको अपने इंडेक्स फिंगर को आपने स्ट्रेटली जहां एरो दिखाई दे रहा है वहां स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही होगी, वहां प्रेस करना है। इसके अलावा आपको अगली पिक्चर में थंब के नीचे एरो और स्ट्रेट लाइन दिखाई जा रही है, यहां प्रेस करना है। और लास्ट पिक्चर में आपको फुट दिखाए जा रहे हैं। इसमें आपको अंगूठी के साथ वाली उंगली के ऊपर रेड डॉट दिखाए जा रहे हैं, यहाँ आपको प्रेस करना है। ये सब या तो आप खुद कर सकते हैं या आप किसी फैमिली मेम्बर से करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिससे जिसको अभी साइटिका, बैक पेन, हिप पेन, कोई भी पेन हो वो अभी ट्राई कर सकता है और अपने पेन को दूर कर सकता है। इस वीडियो में आपको लहसुन का दूध, योगा, लहसुन का तेल और एक्यूप्रेशर पॉइंट, अगर ये सारे इलाज आप महीने में सिर्फ 15 दिन लगातार कर लेते हैं तो आपको पेन में 100% आराम मिलेगा और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फ़ायदा मिले तो चैनल को और वीडियो को अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार। जय हिंद।